रोड सेफ्टी क्या है और रोड डिसिप्लिन क्या है। आइए इस हवाले से अब्दुलरहमान साहब से मेरा एक सवाल है। अब्दुलरहमान साहब, मैं जानना ये चाहता हूँ, अभी जैसा कैसर खालिद साहब ने कहा कि इसे परवरिश का हिस्सा होना चाहिए, परवरिश में हम इस बात को शामिल करें, क्योंकि आप बहुत करीब से समाज को देखते और बरतते हैं, हम परवरिश में बात को शामिल करें, अपने बच्चों को ये बताएं कि रोड सेफ्टी क्या है, रोड क्रॉसिंग क्या है, वगैरह वगैरह। उसके साथ साथ एक चीज़ जो हमारी नज़र में आती है वो ये है कि जो हमारा लाइसेंसिंग निज़ाम है, हम जब लाइसेंस लेने जाते हैं, मैंने खुद दूसरे ममालिक में लाइसेंस लिया, लाइक दुबई में मैंने लाइसेंस लिया, यकीन कीजिए कि मेरा हाई स्कूल का एग्ज़ाम जो था वो मुझे आसान लगने लगा उस लाइसेंस लेने के प्रोसेस के दरमियान। और उस हवाले से मैं नाज़रीन आपको एक बहुत अच्छा किस्सा भी बताना चाहूँगा कि मेरा एग्ज़ाम था वहाँ, और एग्ज़ाम में एग्जामिनर ने मुझसे ये कहा कि टेक लेफ्ट, वहाँ क्योंकि हमारे यहाँ की तरह राइट हैंड ड्राइव नहीं होता, लेफ्ट हैंड, टेक लेफ्ट। मैंने दौड़ से लास्ट लेन से इस लेन में आया, और लेफ्ट जाने के लिए दो लेन होती, मैंने एकदम लास्ट वाली लेन में आके लेफ्ट लिया। उन्होंने कहा गाड़ी रोक दीजिए साइड, मैंने रोक दी। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, बोले यू आर फेल। मैंने कहा व्हाट फॉर, ये तो दैट वाज द लेन फॉर यू टर्न, नॉट फॉर लेफ्ट, दिस वाज फॉर लेफ्ट, दैट वाज फॉर यू टर्न। मैंने कहा साहब पब्लिक तो जा रही है, कहने लगे दे कैन फ्लाई ओवर द ट्रैफिक, दे हैव लाइसेंस, यू डोंट हैव, यू कैन नॉट फ्लाई, दे विल पे प्राइस व्हेन दे विल मीट विद द एक्सीडेंट। उनका एक्सीडेंट होगा उस दिन उनको पता चलेगा, लेकिन आपके पास अभी लाइसेंस नहीं है। तो क्या हमारा जो ये लाइसेंसिंग निज़ाम है, लाइसेंसिंग निज़ाम कहीं इसमें फॉल्ट है? और मैं आपकी बात शुरू होने से पहले दूसरा एक्सपीरियंस यहाँ का सुना दूं कि मैंने हिंदुस्तान में जो सबसे पहला लाइसेंस लिया था, आप यकीन कीजिए उसका फॉर्म भी नहीं भरा था। मैं अपना एक्सपीरियंस, वहाँ बेचारे जो जूनियर स्टाफ था वहाँ साहब ने वो फॉर्म, मेरे अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से फॉर्म भी उसे भरवा दिया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी परवरिश और ये हमारा जो निज़ाम है, इन दोनों की कमियाँ हैं, या इन दोनों में कोई टकराव है, या हम सीखना नहीं चाहते, या बच्चों को सिखवाना नहीं चाहते, या हमारा जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है या आरटीओ डिपार्टमेंट है वो भी इस बात की अहमियत को नहीं समझता कि लाइसेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किसी बच्चे को, किसी नौसिखिए को, नए ड्राइवर को दिया जा रहा है। जब हम एक महीने का उसको लर्निंग लाइसेंस देते हैं तो उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, फिर उसके बाद जो दूसरा लाइसेंस क्या जिम्मेदारियाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कमी हो कहाँ रही है? देखिए आप इसकी शुरुआत देखें, मैं जनरली सभी पहलुओं पर नजर डालना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखें स्कूल्स जो बॉम्बे में है वो ऐसी जगहों पर है जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है। अब वो सबसे पहले वो स्कूल वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो जो तालीम बच्चों को दे रहे हैं किस हालात में दे रहे हैं। आप देखिएगा एक रिक्शा के अंदर 10 बच्चे बैठ के स्कूल पहुंचते हैं, एक कार के अंदर 8 बच्चे बैठ के स्कूल पहुंचते हैं, एक बस के अंदर जिसकी कैपेसिटी 12 की है या 15 की है वहां पे 50 बच्चे घुसते हैं अंदर। आप खुद गौर कीजिएगा एक 10x10 के कमरे में मैक्सिमम आदमी कितने रह सकते, मैक्सिमम आप सोचेंगे तो 15, अब उसके अंदर अगर 50 डाल देंगे तो यू विल फाइंड सफोकेशन ऑन दैट। अब हमारा निज़ाम बाद में आता है, पहले हमारा जो अतराफ के लोग हैं, जैसे अभी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ये रोड सेफ्टी पर बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि तालीम दें, ऐसे मैं समझता हूँ, क्योंकि वहाँ से अगर शुरुआत होती है। एक खालिद साहब ने कहा कि बाइक देने के पहले आप हेलमेट दीजिएगा, वो बच्चा खुद हेलमेट मांगेगा वालिद साहब से कि भाई मुझको पहले हेलमेट दीजिएगा फिर बाइक लेके दीजिए, क्योंकि अगर वो समझता है स्कूल में वो तालीम हासिल करता है तो उसको पता चलता है कि ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है, कितनी अहमियत रखती है। अब स्कूल के बच्चे आप देखें इतने रिस्क से स्कूल जाते हैं तो आप सोचें उनमें अवेयरनेस कैसे आएगी, आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि बचपन से हम रिस्क में जा रहे हैं, वो क्रॉस कर रहा है, वो उसको धक्का मार रहा है, वो उसको गाली गलौज कर रहा है और स्कूल पहुंच रहा है। वापसी में भी वही हालत है कि घर में पहुंचे तो भले बहुत अच्छा हो गया, आज का दिन निकल गया। अब इस तरह के माहौल में आप, मैं ये समझता हूँ कि स्कूल वालों को ये चाहिए कि एक सब्जेक्ट रखें बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को तालीम दी जाए कि रोड क्रॉसिंग क्या है, सिग्नल्स क्या है, क्योंकि स्कूल में तालीम होती है। बच्चा सीखने शुरू करेगा तो वो घर वालों के लोगों को भी एजुकेट करेगा। बेसिकली आप देखिए किसी बच्ची को अगर होम साइंस सिखाया जाता है वो इसके लिए सिखाया जाता है कि वो जिस घर में जाए शादी कर वहाँ के लोगों को अगर पता नहीं है तो उनको एजुकेट करे। सो बेसिकली यू आर डेवलपिंग वन फीमेल एंड मेकिंग देम स्प्रेड इट टू 10 पीपल ऑफ द फैमिली। इस तरह से ये एजुकेशन अगर आप स्कूल्स में देना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस बहुत जल्द लोगों तक फैलेगी और आगे बढ़ेगी। रहमान साहब का ख्याल है कि घरों के अलावा स्कूल से और हमारा तालीमी निज़ाम है उसको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो रोड सेफ्टी के हवाले से बच्चों को सिखाएं। सर मैं आपको इसको और एक थोड़ी सी बात जो आपने रुकी हुई है वो ट्रेनिंग स्कूल्स की है। सभी लोग बाहर गांव जाते हैं और वहाँ पे भी लाइसेंस लेते हैं जैसे नॉर्मल निज़ाम है वहाँ का। आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो इन स्कूलों के ऊपर मॉनिटर रखे कि ये किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, कौन सी गाड़ियों से ट्रेनिंग देते हैं। ऐसी गाड़ियों में ट्रेनिंग देते हैं जिसका एक ही गियर चलता है, अब वो सिखाएंगे क्या? बिकॉज बेसिकली यहाँ पर इट्स बिकम अ बिजनेस, ट्रेनिंग स्कूल इज बिकम बिजनेस। जो इंपॉर्टेंस हम लाइफ को दे रहे हैं वो शुरुआत वहाँ से होती है। अगर आप गलत लोगों के हाथ में लाइसेंस देंगे कि वो बगैर किसी मॉनिटरिंग के सिखाते हैं और बोलते हैं ठीक है लाइसेंस देते हैं
और फिर आपने जैसे कहा कि मेरी पहचान थी, मेरा काम हो गया। हर इंसान को चाहिए कि अपनी पहचान सही जगह के लिए इस्तेमाल करे। मैंने क्राइम किया, वो मेरा मेरी गलती बहुत बड़ी है उसमें, लेकिन शायद आई वाज नॉट मैच्योर्ड इनफ, या मुझे मेरे बड़ों ने या मेरे स्कूल ने जैसा आपने कहा ये बताया नहीं था कि तुम्हें पहले ये एग्जाम देना चाहिए। बल्कि मैंने जब दुबई में जाके ये एग्जाम दिया तो मुझे बुरा लगा ये इम्तिहान। सही है, फ्रेंकली स्पीकिंग बुरा लगा मुझे ये इम्तिहान, कि इम्तिहान क्यों दिया जा रहा है। मैं आपके पास यहाँ पर ये बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी जो ट्रेनिंग स्कूल्स के ऊपर मॉनिटरिंग रखे, जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट होगा वो इस पर और गौर करके इसको डेवलप करें, ताकि वो जो लोगों को गाड़ियां सिखाएं उनको ये पता चले कि साइंस क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, स्पीड लिमिट क्या होती है, हाइट्स क्या होती है। आप देखिए कार सब्वे है, उसकी एक हाइट लिमिट है कुछ 4 मीटर, 4.5 या 5 मीटर की है। टेम्पो फुल लाद के 6 मीटर वाला घुस जाता है उसके अंदर, वो क्या हो गया, वो अटक गया वहां पर, रुक जाता है, मतलब ट्रैफिक के लिए दिक्कत होती है। अब ये सब कब होगा, जब उनको पता चलेगा। अभी वो बोलेगा मैं तो बॉम्बे का नहीं हूँ, मैं आंध्रा से आया हूँ या मैं किसी और स्टेट से आया हूँ। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज यू हैव टू एजुकेट देम, राइट। अब यहाँ बड़ी अच्छी बात आपने कही, और इस हवाले से मैं एक वाक्य बताता हूँ, वहीं दुबई का मेरे किसी मित्र के साथ हुआ। उनको लाइसेंस लेना था और उनका एग्जाम, एग्जामिनर ने उनसे कहा कि भगाओ 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 भगाओ, अरबी बोलता है उनसे, भगाओ भगाओ, वो भगा रहे, कहते टेक लेफ्ट, लेफ्ट लिया, स्टॉप द कार, यू आर फेल, व्हाट फॉर, दिस इज नो एंट्री, आप नो एंट्री में कैसे है? सर आपने बोला, बोले कि कोई बोलेगा तो जाओगे, यू आर फेल फॉर दैट, कोई साथ में बैठा बंदा आपको बोलेगा तो आपके पास आऊँगा मैं इस ट्रेन।